किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? ऑप्शन ए सरपपुरी, नल, पांडु या कलचुरी। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला जो राजवंश है वो कौन सा? कलचुरी। तो कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में 1000 ईस्वी से, कब से कब तक? 1000 ईस्वी से ये 1757 ईस्वी तक शासन किया। ओके, तो 1757, कहीं कहीं पे 58 भी लिखा रहेगा, तो कब से कब तक? 1000 से लेके आपका 1757, लगभग लगभग 750 साल तक शासन रहा किनका? कलचुरियों का। तो सबसे लंबी अवधि तक छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला राजवंश कौन सा? कलचुरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी राजवंश की किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में सत्ता स्थापित किया था? बेहुरी, लहुरी, कलिंग या त्रिपुरी। तो कलचुरियों का जो मेन क्षेत्र था, जहां से उनका उद्भव हुआ, वो आपका एमपी वाले क्षेत्र में महिष्मति, जो वहां के शासक महिष्मान के नाम पर नाम रखा गया था, महिष्मति है ना। तो महिष्मति ये इनकी पहली राजधानी। कलचुरियों में संस्थापक में नाम जिसने महिष्मति को राजधानी बनाया, तो संस्थापक या आदि पुरुष कौन? कलचुरियों का कृष्णराज। ओके, आगे चल के एक शासक होगा वामराज, वामराज देव। तो इसने क्या किया था? अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और त्रिपुरी, जबलपुर वाला क्षेत्र, त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? आपका वामराज देव ने। तो त्रिपुरी से ही एक शाखा निकलेगी जिसको नाम दिया गया क्या आपका? लहुरी। क्या? लहुरी। तो त्रिपुरी की लहुरी शाखा ने छत्तीसगढ़ में क्या किया था? आपका शासन किया था। तो याद रखिएगा, कलचुरी राजवंश की किस शाखा ने शासन किया छत्तीसगढ़ में? तो लहुरी शाखा ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थापित चेदी साम्राज्य को और किस नाम से जाना जाता था? सरपपुरी, चालुक्य, कलचुरी या आपका डी, इनमें से कोई नहीं। तो चेदी साम्राज्य यानी कि आपका क्या? कलचुरी वंश। क्या? कलचुरी वंश। तो कलचुरी स्वयं को है वंश, ये अपने आप को है ना क्या मानते थे? है वंशी। और कलचुरियों को ही क्या कहा जाता था? आपका चेदी कुलवंश, चेदी कुलवंश। तो कलचुरी वंश या है वंश या आपका चेदी कुलवंश, तो आंसर क्या होगा? आपका सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? कर्णदेव, शंकरगण, कृष्णराज या आपका लक्ष्मणराज। तो अभी बताया, कलचुरियों का जो संस्थापक था वो कौन था? आपका कृष्णराज। तो संस्थापक या आदि पुरुष कलचुरियों का कौन? कृष्णराज। और इनका प्रारंभिक क्षेत्र कहाँ पे था? आपका महिष्मति में। कहाँ पे? महिष्मति। चलिए तो आंसर क्या होगा इसका? सी। अगला क्वेश्चन, किस राजा ने प्रतिहार राजा, गुर्जर प्रतिहार, तो प्रतिहार राजा राजा भोज को हराया था? कोक्कल देव प्रथम, जाजल देव प्रथम, रत्न देव या आपका डी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, त्रिपुरी का कलचुरी शासक ये कोक्कल देव प्रथम ने प्रतिहार राजा भोज को क्या किया था? पराजित किया था। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी किसके अनुयायी थे, यानी कौन से धर्म को मानते थे? शैव, वैष्णव, शाक्त या डी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, कलचुरी ये शैव धर्म के अनुयायी थे। किसको मानते थे? शैव धर्म को, यानी कि भगवान शंकर। ओके, तो शैव धर्म का संबंध किससे? भगवान शंकर से, जबकि वैष्णव धर्म का भगवान विष्णु से है ना। तो कलचुरी शैव धर्म के अनुयायी थे। इनकी जो कुल देवी थी
वो गजलक्ष्मी, कुल देवी क्या, गजलक्ष्मी। और इनके जो ताम्रपत्र हुआ करते थे उस ताम्रपत्र में क्या लिखा रहता था, ओम नमः शिवाय। ओके, तो ये तीनों चीज को याद रखिएगा कि कलचुरी किसके अनुयायी थे, कौन से धर्म के, तो शैव धर्म के। इनकी कुलदेवी कौन आपका, गजलक्ष्मी। इनके ताम्रपत्र में क्या लिखा रहता था प्रारंभ में, शुरुआत में, तो क्या आपका, ओम नमः शिवाय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शंकरगढ़ द्वितीय ने छत्तीसगढ़ में कब आक्रमण किया था। ओके, तो मध्य प्रदेश यानी त्रिपुरी वाले क्षेत्र में यदि देखें तो कलचुरियों का जो उद्भव हुआ, जो संस्थापक या आदि पुरुष माना गया किसको, कृष्णराज को, इसकी राजधानी क्या थी आपका, महिष्मती। क्या थी, महिष्मती। उसके बाद एक शासक होगा कौन आपका, वामराज देव। कौन, वामराज देव। ये अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा और राजधानी बनाएगा किसको, त्रिपुरी को। आगे चल के एक शासक होगा कुक्कल देव प्रथम, कुक्कल देव प्रथम। तो कुक्कल देव प्रथम अभी बताया कि इसने प्रतिहार राजा भोज को क्या किया, पराजित किया था। और इसी कुक्कल देव प्रथम का पुत्र था आपका शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। ओके, तो इसने छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया था। तो छत्तीसगढ़ में कब आक्रमण किया, तो याद रखना इसने आक्रमण किया था आपका 9th century में। ओके, तो जब यह छत्तीसगढ़ में आक्रमण करता है तो उस समय छत्तीसगढ़ में बाणवंशियों का शासन रहता है। किसका शासन रहता है, बाणवंशियों का। और बाणवंशी शासक रहता है कौन आपका, विक्रमादित्य। कौन, विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य को यह क्या किया था, पराजित किया था। कौन आपका, शंकरगण द्वितीय। और छत्तीसगढ़ के पाली वाले क्षेत्र पर जहां पे किसका शासन था, बाणवंशियों का, वहां पर क्या करता है, ये अपना अधिकार स्थापित करता है। उसके बाद वापस चला जाता है कहां, त्रिपुरी। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का पहला जो आक्रमण है वो 9th century में हुआ। करने वाला कौन, शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग। उस समय किसका शासन था, तो पाली में बाणवंशी शासक, शासक कौन था, विक्रमादित्य। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की कितनी शाखाएं थी, 1, 2, 3 यदि इनमें से कोई नहीं। तो त्रिपुरी से कलचुरी, जो त्रिपुरी की जो लहुरी शाखा थी वो आई कहां पे, छत्तीसगढ़ में। तो शंकरगण द्वितीय ने अभी बताया कि कहां आक्रमण किया, छत्तीसगढ़ में 9th century में। उस समय बाणवंशियों का शासन था और शासक कौन था आपका, विक्रमादित्य। उनको पराजित किया, पराजित करने के बाद वो वापस चला जाता है। उसके बाद इसी पाली वाले क्षेत्र में, है ना, मान लीजिए ये आपका क्या है, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, तो ये कोरबम पाली वाला क्षेत्र, इधर आपका क्या, त्रिपुरी, और ये उड़ीसा वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे शासन था किसका, सोमवंशियों का। किसका शासन था, सोमवंशियों का। तो जब लक्ष्मण राज, सॉरी, शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग इस क्षेत्र को जीत के वापस चला जाता है कहाँ पे, त्रिपुरी। तो लगभग 950 ईस्वी के आसपास ये जो उड़ीसा के सोमवंशी होंगे वो इस क्षेत्र पर क्या कर लेंगे, अधिकार कर लेंगे। क्लियर है। तब 1000 ईस्वी के आसपास, ठीक है, कब, 1000 ईस्वी यानी कि 11th century में, है ना, लक्ष्मण राज का पुत्र कलिंगराज, कौन, कलिंगराज, ये दोबारा आक्रमण करता है कहां, त्रिपुरी से, फिर कहां पे, छत्तीसगढ़ में। तो कलचुरियों का दूसरा आक्रमण छत्तीसगढ़ में करने वाला कौन, कलिंगराज। कब किया, 1000 ईस्वी में, अगर टाइम पीरियड ऐसे पूछा तो आपका 11th century में। क्लियर। तो आक्रमण करता, इनको फिर से पराजित करेगा और इस क्षेत्र पर फिर से पुनः अधिकार प्राप्त करेगा और वापस नहीं जाता, यहीं बस जाता है, कौन, कलिंगराज। तो कलचुरियों का जो टाइम पीरियड प्रारंभिक समय माना जाता है कब से, 1000 ईस्वी से। क्लियर। आगे चल के 1300 ईस्वी में रतनपुर से, अब ये जब आए तो ये शुरुआत में राजधानी बनाया था किसको, तुम्बाड़ को, कोरबा का, है ना, कौन, कलिंगराज। बाद में इनकी जो राजधानी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपका,
रतनपुर, देखेंगे इसको भी। फिर लंबे समय तक इन्होंने शासन किया कहाँ पे, रतनपुर में, ठीक। 1000 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक इनका शासन कहाँ रहा, तुम्बाड़ में, ओके। फिर 1050 ईस्वी में ये राजधानी बनाएंगे किसको, आपका रतनपुर को, और शासन कहाँ से होगा, रतनपुर से। तो चूंकि लंबे समय तक ये रतनपुर से शासन किए इसलिए कहलाए कि आपका रतनपुर के कलचुरी। अब 1300 ईस्वी में, कब, 1300 ईस्वी में रतनपुर से एक ब्रांच निकलेगा और वो शुरुआत में जाएगा कहाँ, आपका खल्लारी, और बाद में खल्लारी से कुछ समय बाद वो शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पे, आपका रायपुर। तो चूंकि रायपुर में लंबे समय तक रहे इसलिए क्या कहलाए, रायपुर के कलचुरी। तो इनकी लहुरी शाखा रायपुर में होगी, है ना। तो इनकी दो शाखा, मेन कहाँ पे, रतनपुर में, और एक कहाँ पे, आपका रायपुर में। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की दो शाखा थी, एक रतनपुर और एक रायपुर, क्लियर है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 'तहकीक-ए-हिंद' में किस कलचुरी शासक का वर्णन है, कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, कलिंगराज, क्या होगा, कलिंगराज। तहकीक ए हिंद है ना, तो जब आप लोग भारत का इतिहास पढ़ोगे तो वहां पे एक व्यक्ति का नाम आएगा अलबरूनी, ठीक, कौन, अलबरूनी। अब ये नाम ही अपने आप में ना, अगर भारत जब इतिहास पढ़ोगे तो इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्लियर है, यहाँ पे बताना उचित नहीं है। तो अलबरूनी काफ़ी ज़्यादा विद्वान था ना, ये यहीं पे आके यहीं भाषक सीखेगा। चलो तो छोड़ो अलबरूनी को, बस इतना याद रखना अलबरूनी की ही रचना थी क्या आपका, तहकीक ए हिंद। और इसी तहकीक ए हिंद में इसने कलचुरी शासक कलिंगराज का क्या किया है उल्लेख, उसके रचना में है, ओके। तो कलिंगराज का उल्लेख अलबरूनी की रचना तहकीक ए हिंद में मिलती है। तो कलिंगराज ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था कब आपका, 1000 ईस्वी में, है ना। राजधानी ये बनाया था किसको, तुम्बाड़ को, कोरबा, ओके, तुम्बाड़ को राजधानी बनाया। तुम्बाड़ में ही इसने, किसने, कलिंगराज ने महिषासुर मर्दनी का मंदिर बनवाया था, किसने, कलिंगराज ने। तो याद रखना छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक या वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो कौन आपका, कलिंगराज, कौन, कलिंगराज। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का पहला शासक या कलचुरी वंश का संस्थापक कौन, कलिंगराज। इसने राजधानी किसको बनाई, तुम्बाड़ को, और तुम्बाड़ में ही क्या बनवाया था, महिषासुर मर्दनी का मंदिर। तो याद रखना अलबरूनी की रचना तहकीक ए हिंद में किस शासक का वर्णन मिलता है, तो कलिंगराज का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी शासक कमलराज ने किस क्षेत्र में आक्रमण किया था, बस्तर, उड़ीसा, त्रिपुरी या डी, इनमें से कोई नहीं। तो कमलराज ये बैठा था कहाँ पे, तुम्बाड़ में, तुम्बाड़ में कमलराज, और इधर त्रिपुरी, ठीक है, यहाँ पे एक शासक रहता है त्रिपुरी का, कलचुरी शासक गांगेयदेव, गांगेयदेव, और इधर उड़ीसा में, कहाँ पे, उड़ीसा में, उड़ीसा में करवंशी शासक सुभाकर द्वितीय, कौन था, सुभाकर द्वितीय, और इसी सुभाकर द्वितीय का योद्धा था ना, कौन आपका, साहिल्य, कौन, साहिल्य, ठीक। तो गांगेयदेव को आक्रमण करना था कहाँ पे आपका, उड़ीसा, तो वह छत्तीसगढ़ से होते हुए जाएगा। तो गांगेयदेव और कमलराज ये दोनों मिलके कहाँ आक्रमण करेंगे, उड़ीसा में, क्लियर है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी। और उड़ीसा में आक्रमण करके सुभाकर द्वितीय को पराजित करेंगे और साहिल्य नामक योद्धा को जीत के लेके जाएगा कहाँ आपका, छत्तीसगढ़, कौन, कमलराज, क्लियर है। तो कहाँ आक्रमण किया था, तो उड़ीसा में, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोमो मंडल क्षेत्र पर
किस शासक का अधिकार था? कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम। तो याद रखना, कलिंगराज के बाद शासक कौन? कमलराज। कमलराज के बाद आपका रत्नदेव प्रथम। तो रत्नदेव प्रथम ये 1000 से 1050 कलचुरियों का शासन कहां पे? तुम्मान में। कहां पे? तुम्मान। तो ये 1045 से गद्दी में बैठता है, तो ये तुम्मान में भी शासन किया। और आपका 1050 ईस्वी में, कब? 1050 ईस्वी में ये रतनपुर नामक शहर बसाएगा अपने नाम पे, रत्नपुर। और यहाँ पे 1050 ईस्वी में ही ये महामाया मंदिर का निर्माण करवाता है। महामाया मंदिर का निर्माण कौन? तो रत्नदेव प्रथम। और उसको क्या करेगा? अपनी राजधानी बनाता है। क्लियर है? तो उसी समय देखा जाए, जब ये शासन में बैठे गए 1045 से, फिर 1050 से आपका राजधानी शिफ्ट कर देगा। तो याद रखना, ये तुम्मान में भी शासन किया है और आपका रतनपुर में भी। तो तुम्मान में शासन करने वाला अंतिम शासक कौन? रत्नदेव प्रथम। अब बात कर रहे हैं कोमो मंडल की, तो जो पेंड्रा वाला क्षेत्र है वहाँ पर मिलेगा ये आपका ग्राम कोमो। तो कोमो मंडल, तो कोमो मंडल का ही प्रमुख था कौन? आपका वजू वर्मा। कौन? वजू वर्मा। वजू वर्मा की पुत्री, पुत्री का नाम था नोनल्ला। क्या? नोनल्ला। नोनल्ला से विवाह होगा किसका? आपका रत्नदेव प्रथम का। विवाह जब हुआ, कुछ समय पश्चात वजू वर्मा के पुत्र और पौत्र की क्या हो जाती है? मृत्यु। कोई वारिस बसता नहीं है, तो कोमो मंडल का क्षेत्र भी उसके दामान यानी किसको? रत्नदेव प्रथम को मिल जाता है। तो याद रखना, कोमो मंडल पर किस क्षेत्र का, सॉरी किस शासक का अधिकार था? तो रत्नदेव प्रथम का। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, रत्नदेव प्रथम के समय रतनपुर कितने खंडों में विभाजित था? क्लियर है? तो देखो, रतनपुर इसको बसाने वाला कौन? रत्नदेव प्रथम, है ना? और कब बसाया? तो याद रखना, 1050 ईस्वी में। क्लियर? और यहीं पे आपका वो क्या करता है? महामाया मंदिर का निर्माण करवाता है, इसको राजधानी भी बनाया गया 1050 ईस्वी में। तो रतनपुर रत्नदेव प्रथम के समय ये जो है ये 5 खंडों में विभाजित था। कितने खंडों में? 5 खंडों में। रतनपुर को थोड़ा देखते हैं ना, तो रतनपुर को बसाने वाला ये आपका कौन? रत्नदेव प्रथम। कब बसाया? 1050 ईस्वी में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया। तो रतनपुर का नाम देख लो ना, सतयुग, सत एक सतयुग, सतयुग के बाद आपका त्रेता युग, द्वापर युग, और अभी वर्तमान में क्या चल रहा है बोले तो कलयुग, है ना? तो कलयुग, तो सतयुग में ये कहलाता था आपका मणिपुर। क्या? मणिपुर। त्रेता युग में माणिकपुर, माणिकपुर, ओके। द्वापर युग में हीरापुर। क्या? हीरापुर। कलयुग में यानी अभी वर्तमान में रतनपुर, या इसी को रत्नावलीपुरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रत्नावलीपुरी। महाभारत काल में, महाभारत काल में, महाभारत काल में भी ये मणिपुर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? मणिपुर के नाम से, ओके। और चूंकि चारों युग में ये अस्तित्व में था, इसलिए इसको क्या बोला गया? तो चतुर्युगी पुरी। किस नाम से जाना जाता है इसे, रतनपुर को? तो चतुर्युगी पुरी। तो रत्नदेव प्रथम के समय में ये कुल 5 खंडों में विभाजित था। कितने खंडों में? 5 खंडों में, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ के किले में रावण की मूर्ति संस्थित है? मल्हार, रतनपुर, सिरपुर, या आपका पाली? तो रतनपुर में ही आपका क्या है? गज किला है। क्या है? गज किला। ठीक,
तो गज किला को बनवाने वाला कौन आपका रत्नदेव प्रथम, है ना। तो रत्नदेव प्रथम द्वारा रतनपुर में क्या स्थापित करवाया गया, गज किला। और वहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगी, रावण की मूर्ति देखने को मिलेगी, जिसमें रावण है ना अपने ही सिर को काटते हुए दर्शाया गया है, क्लियर है, और अपने सिर को शिवलिंग में अर्पित कर रहे हैं, ऐसे करके उसको दिखाया गया उस मूर्ति को, क्लियर। तो इसको याद रखना, कहाँ पे आपका रतनपुर, और रत्नदेव प्रथम के द्वारा ही याद रखना तुम्बाड़ में रत्नेश्वर मंदिर, क्या बनवाया उसने, रत्नेश्वर मंदिर। साथ ही साथ उसने बनवाया था तुम्बाड़ में ही वंकेश्वर मंदिर, क्या बनवाया था, वंकेश्वर मंदिर, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीदेव प्रथम के मंत्री का नाम क्या था, ठीक। तो रत्नदेव प्रथम के बाद में शासक कौन बनता है, पृथ्वीदेव प्रथम। तो पृथ्वीदेव प्रथम के दो मंत्री, एक का नाम याद रखना विग्रहराज और एक का नाम याद रखना सोंठदेव, क्या सोंठदेव। तो आंसर पुरुषोत्तम देव वल्लभराज जगतपाल, है ना। तो मंत्री का नाम, तो आंसर क्या होगा इसमें आपका, डी, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वीदेव प्रथम में एक का नाम क्या आपका, विग्रहराज, और एक आपका नाम क्या, तो सोंठदेव, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम्बाड़ में चतुष्किका का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम या जाजल्य देव प्रथम। तो पृथ्वीदेव प्रथम ये जब शासन में बैठेगा तो इसके पिता रत्नदेव प्रथम के द्वारा तुम्बाड़ में क्या बनवाया गया था, वंकेश्वर मंदिर। तो उसी वंकेश्वर मंदिर में, तुम्बाड़ के वंकेश्वर मंदिर में पृथ्वीदेव प्रथम ने चार खंभों वाला मंडप बनवाया, उसी को क्या बोला गया आपका, चतुष्किका। तो आंसर क्या होगा इसका, ये पृथ्वीदेव प्रथम भी, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, पृथ्वीदेव प्रथम ने तुम्बाड़ में ही क्या बनवाया था, याद रखना पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर, क्या बनवाया था, पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंह द्वार कहाँ के किले में स्थित है, ठीक है। चैतुरगढ़, रतनपुर या आपका पाली। तो याद रखना चैतुरगढ़ जिला आपका कौन सा, कोरबा। तो चैतुरगढ़ का किला है ना, ओके। तो बनवाने वाला कौन आपका, पृथ्वीदेव प्रथम। और उसी चैतुरगढ़ के किले में तीन द्वार हैं, बनवाने वाला कौन, पृथ्वीदेव प्रथम। तो सिंह द्वार, हुंकार द्वार, हुंकार द्वार और मेनका द्वार। तो सिंह द्वार, हुंकार द्वार, मेनका द्वार, ये उस किले में आपको देखने को मिलेगा द्वार है। कहाँ के किले में, चैतुरगढ़ के किले में, बनवाने वाला कौन, पृथ्वीदेव प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम को किसने पराजित किया था, ठीक। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा, जाजल्य देव प्रथम। तो जाजल्य देव प्रथम ने सोमेश्वर देव प्रथम को क्या किया था, पराजित किया था। और जाजल्य देव प्रथम ने इसको पराजित करके परिवार सहित जो है क्या कर लिया था, कैद कर लिया था। तो सोमेश्वर देव प्रथम की माता गुंड महादेवी, वो जाजल्य देव प्रथम की माता राजल्ला देवी से अनुरोध करती है। तो उसके कहने पे जाजल्य देव प्रथम ने फिर इसे क्या किया था, रिहा किया था, है ना। तो बारसूर, नीचे बस्तर, बस्तर में छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम को इसने क्या किया था, पराजित किया था और परिवार सहित कैद कर दिया था। तो इसकी माता गुंड महादेवी के आग्रह करने पर इसने क्या किया था, इसे रिहा किया था। और जाजल्य देव प्रथम को और अन्य युद्ध याद रखिएगा, एक उड़ीसा का शासक भुजबल, इसको भी पराजित किया था। साथ ही साथ उड़ीसा में गंगवंशी शासक नृपति गंग को भी ये क्या किया था, पराजित किया था, ओके। किसने, जाजल्य देव प्रथम ने। और जब इसको पराजित किया तो वो गज शार्दुल
गज शार्दुल की उपाधि क्या किया था, धारण किया था, कौन? जाजल्य देव प्रथम। गज शार्दुल मतलब हाथियों का शिकारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, है ना? तो पाली का शिव मंदिर बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने बनवाया था। फिर उसका रिपेयरिंग रिकंस्ट्रक्शन जीर्णोद्धार करवाने वाला कौन? आपका जगतपाल। तो जगतपाल जो है ये जाजल्य देव प्रथम का क्या था? आपका सेनापति था, है ना? तो उसने पाली के शिव मंदिर का क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाजल्य देव प्रथम के गुरु रुद्रशिव या इसी को सदाशिव के नाम से भी जाना गया, किस धर्म के ज्ञाता थे? बौद्ध, शैव, वैष्णव। तो याद रखना इसके गुरु बौद्ध धर्म, रुद्रशिव या सदाशिव जो इसके गुरु थे जाजल्य देव प्रथम के, वो कौन से धर्म के ज्ञाता थे? तो बौद्ध धर्म के। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हनुमान चिन्ह अंकित तांबे के सिक्के किसने चलवाए? ठीक है, तीनों में या डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जाजल्य देव प्रथम, ठीक। तो जाजल्य देव प्रथम ने तांबे के सिक्के चलवाए जिसमें किसका अंकन था? हनुमान जी का, है ना? तो चंदेल शासक, एमपी में जो चंदेल शासक थे वो भी तांबे के सिक्के चलवाते थे, उसी के तर्ज पे जाजल्य देव प्रथम ने भी हनुमान चिन्ह अंकित तांबे के सिक्के चलवाए। साथ ही साथ याद रखना अभी तक जितने भी कलचुरी शासक, कमल राज, है ना, कलिंग राज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, इन सब ने, है ना, सोने के सिक्के नहीं चलवाए। जाजल्य देव प्रथम ऐसा शासक होगा कलचुरियों में रतनपुर के जो सोने के सिक्के चलवाता है, है ना? और त्रिपुरी, अभी तक जो कलचुरी शासक हुए वो त्रिपुरी के अधीन थे, तो ये पहला शासक होगा जो त्रिपुरी की अधिसत्ता को क्या करता है? अस्वीकार करता है। और अस्वीकार करने के पश्चात वो क्या करता है? सोने के सिक्के चलवाता है, साथ ही साथ हनुमान चिन्ह अंकित तांबे के सिक्के चलवाता है। तो याद रखना त्रिपुरी के अधीन अंतिम कलचुरी शासक कौन? जाजल्य देव प्रथम। और ये त्रिपुरी के अधिसत्ता को अस्वीकार कर देता है, तो जाजल्य देव प्रथम और उसके बाद के जो भी शासक होंगे वो त्रिपुरी के कलचुरियों के अधीन नहीं होंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो त्रिपुरी के अधीन कलचुरी शासक कौन कौन होंगे? एक कलिंगराज, कलिंगराज के बाद कौन? कमलराज, कमलराज के बाद कौन? आपका रत्नदेव प्रथम, उसके बाद कौन? आपका पृथ्वीदेव प्रथम, है ना? तो त्रिपुरी के अधीन कलचुरी शासक, तो अंतिम कलचुरी शासक कौन था याद रखना? तो पृथ्वीदेव प्रथम। जाजल्य देव प्रथम ये क्या करेगा? त्रिपुरी के अधिसत्ता को अस्वीकार करता है, क्लियर है? तो इसको याद रखना, त्रिपुरी के अधीन होके किस किस ने शासन किया था? तो कलिंगराज ने, कमलराज ने, रत्नदेव प्रथम ने, और आपका कौन? पृथ्वीदेव प्रथम ने, याद रहेगा। चलिए और एक चीज याद रखना, तो कलिंगराज ने और कमलराज ने इन्होंने तुम्मार से शासन किया था, क्लियर है? और तुम्मार से शासन करने वाला और रतनपुर से भी शासन करने वाला कौन? आपका रत्नदेव प्रथम। ओके।